स्टेनोग्राफर्स एग्जाम 2023 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं ग्रेड डी के 18,299 और ग्रेड सी के 3,596। सो ग्रेड सी में 3,596 कैंडिडेट्स पास किए हैं और ग्रेड डी में 18,299 कैंडिडेट्स को इन्होंने पास किया है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपने पहला जो जंग था वो जीत लिया है, पहली लड़ाई आपने जीत ली है। इस एग्जाम में करीब 2,00,000 के करीब लोग बैठे होंगे, ऐसा आरटीआई रिप्लाई से कुछ लोग बता रहे हैं, उन्होंने पता किया है, और उसमें से 18,000 के करीब लोग पास हुए हैं। सो आप उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिन लोगों का टेस्ट पास हो गया है। जब ये रिजल्ट आता है तो हमेशा एक लोगों के दिमाग में बात आती है कि कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है। इस बार कट ऑफ फिर काफी हाई गया है, कट ऑफ हाई क्यों गया है? सारे एग्जाम्स अगर हम पीछे देखें, जितने भी रिजल्ट एसएससी ने दिए हैं, चाहे वो सीजीएल की बात हो, चाहे सीएचएसएल की बात हो, या स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम की बात हो, इसका कट ऑफ हाई है। कट ऑफ हाई जाने का स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में एक कारण तो यह है कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपियर हुए हैं वो पहले किसी भी टाइम से ज्यादा थे। लोग इस फील्ड की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, जो लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं वो लोग भी स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम का पेपर दे देते हैं। और दूसरा इसका कारण है कि इन्होंने इस बार जैसे बाकी एग्जाम्स में किया था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है उनका रेशो कम रेशो में कैंडिडेट्स पास किए। इस बार अगर हम देखें 1100 कुछ वैकेंसीज हैं ग्रेड डी की, और उनके अगेंस्ट करीब 18,000 कैंडिडेट पास किए हैं, तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि 1:18 के रेशो में पास किए हैं। अगर इसी रेशो को हम मान लें ग्रेड सी के लिए भी, तो शायद वहां पर वैकेंसीज अब 93 नहीं है। लेटेस्ट अपडेट अभी एसएससी की तरफ से तो ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि अब शायद ग्रेड सी की वैकेंसीज 150 से ऊपर हो चुकी हैं, शायद 200 के आसपास ग्रेड सी की वैकेंसीज हो चुकी हैं। वो पक्का तो तभी पता लगेगा जब ये हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, फाइनल वैकेंसीज का एसएससी हमें बताएगी, तभी एक्चुअली पता लगता है। लेकिन हर बार एसएससी 1:25, 1:30 के रेशो में पास करते थे। हम इसी रेशो में इस बार भी मान के चल रहे थे कि शायद 25,000 से 30,000 लोगों को पास किया जाएगा, लेकिन एसएससी ने काफी कम लोगों को पास किया है, और इसी कारण थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा भी है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि 120 से 125 थ्री मार्क्स प्लस माइनस, तो 128 के करीब मेरा अंदाजा था कि लोग ये एसएससी का कट ऑफ आएगा ग्रेड डी का, लेकिन ग्रेड डी का कट ऑफ 131 आया यूआर का। इसका कारण यही है कि इन्होंने जो रेशियो है पास करने वाले कैंडिडेट्स का वो कम कर दिया है। खैर, इस रिजल्ट के आने के बाद में वो लोग एक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन है, हर बच्चा इसमें दुखी है। जितने बच्चे अपीयर हुए जो पास नहीं हुए वो भी परेशान है, जो ग्रेड डी पास हो गए वो भी परेशान है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके ग्रेड सी पास नहीं हुआ, उनके नंबर कम है और फाइनल कट ऑफ में उनका नाम नहीं आएगा। जो ग्रेड सी पास हो गए हैं वो भी परेशान है कि उनको स्किल उतना नहीं आता है, तो हम क्या करें। बहुत सारे मेरे को कॉल्स आ रहे हैं कि हम किस तरह से अब इसकी तैयारी करें कि हमारा ग्रेड सी का टेस्ट पास हो जाए या ग्रेड डी का टेस्ट पास हो जाए। बहुत सारे बच्चों को तो शॉर्ट हैंड ही नहीं आती है जो पास हुए हैं। इन 18,000 में से कम 8-10,000 बच्चे तो शायद ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी तरह अभी स्पीड क्लास में प्रैक्टिस नहीं किया है, जो बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन जिन्होंने नहीं की है, जो जस्ट अभी या तो बिगनर्स से वो स्पीड में आए हैं, या जिनको शॉर्टनेट आती नहीं। तो ये 8-10,000 का खेल तो वैसे ही खत्म हो गया, जो मेन कंपटीशन अब रह जाएगा वो लास्ट में 9-10,000 लोगों का रह जाएगा। इसमें अब ये देखना है कि एसएससी इस टेस्ट को लेता कब है। अगर स्किल टेस्ट इन्होंने 1.5 से 2 महीने में ले लिया तो पता नहीं इतने कैंडिडेट्स इनको किस तरह से मिल पाएंगे। जिन लोगों ने मेरे से बात किया है, दिल्ली से बाहर से भी बहुत लोग मेरे से बात कर रहे हैं, और मैंने अपनी क्लासेस में भी देखा, इधर उधर के इंस्टीट्यूट में भी मैंने देखा कि लोग इतना स्किल के लिए अभी तैयार नहीं है जिनका रिटर्न पास हुआ है,
और जो स्किल की जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी उनका रिटर्न पास नहीं हुआ है। तो अगर ये 2 महीने में टेस्ट हो गया तो मेरे को नहीं लगता कट ऑफ बहुत ज्यादा फाइनल बढ़ेगी, ऐसा नहीं हो, शायद ऐसा ना हो। तो लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि 131 कट ऑफ है जी, मेरे 135 नंबर है, मेरे 138 नंबर है, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेड सी में तो मेरा नाम नहीं आया तो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम हट जाएगा, ऊपर ही ऊपर के लोग वैकेंसीज ले जाते हैं। हो सकता है ऐसा हो, नोबडी कैन डिनाई, लेकिन ये तो तब होगा अगर बहुत सारे लोग स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं। अभी स्किल टेस्ट में लोग अपीयर ही नहीं हुए हैं, पता नहीं कितने लोग अपीयर होंगे, पता नहीं कितने लोग पास होंगे। इस बात का जवाब तो शायद एसएससी के चेयरमैन भी नहीं दे सकते हैं कि कितने लोग अपीयर होंगे, कितने लोग पास होंगे, और 132 या 135 या 138 नंबर वाले को तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपने एक टेस्ट पास किया है, आपको खुश होना चाहिए, खुश होकर आप तैयारी करिए, स्किल टेस्ट की तैयारी करिए, पूरी जी जान झोंक दीजिए, आपका स्किल टेस्ट पास हो जाए। अगर कट ऑफ में बाय द वे आपका नाम नहीं भी आता है तो आपने स्किल एक तैयारी कर लिया, और आप अगले कोई भी टेस्ट, नॉट ओनली एसएससी, इसके अलावा बहुत सारे और टेस्ट होते रहते हैं, ईसीएस, ईएसआईसी का टेस्ट है, एफसीए का टेस्ट है, या केवीएस के टेस्ट होते रहते हैं, या दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के टेस्ट होते रहते हैं। उसके लिए अब आपको पता लग गया कि आपकी तैयारी हो गई है, आपको थोड़ा सा अपने आपको और तैयारी को ब्रशअप करना है और आप टेस्ट को इजिली पास कर जाएंगे। जिन बच्चों का स्किल रिटन एग्जाम पास नहीं हुआ है उन लोगों को ये सोच के निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा रिटर्न तो पास ही नहीं होता है, हम क्या करें। उनको अपने चीजों को देख के एनालाइज करना चाहिए कि कहां पर प्रॉब्लम रह गई, कहां दिक्कत रह गई, आप उस चीज की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। 2024 में जितने भी एग्जाम आने हैं आप उनमें उनकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है एसएससी का उसके बाद में तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद बहुत कम टाइम बच जाता है। इतने सारे टॉपिक्स हैं, 3-4 सेगमेंट है हर एक एग्जाम के। स्टेनोग्राफर्स में मैथ्स नहीं होता तो इसमें इंग्लिश रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश रीजनिंग और जीके, ये 3 सेगमेंट्स हैं। इन सबकी तैयारी करने के लिए कम से कम 1 साल तो आप दीजिए। अगर आप सोचें 3 महीने में अचानक कोई जादू हो जाएगा और आप ऑल इंडिया कंपटीशन एकदम पास कर जाएंगे तो वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है। जो बच्चे भी पास नहीं हुए, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तैयारी की है, लड़े हैं, मैदान जंग में आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी काबिल तारीफ बात है कि उनको लगा कि वो पास कर सकते हैं। और अगले साल इससे नहीं भी हुआ है तो आप अगले साल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि आप अगले साल भी नहीं पास कर पाएंगे, जरूर पास कर पाएंगे। ये बात सही है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पीछे कुछ दिनों में देखा गया है कि पहले से कम है, बट फिर भी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है लोग पास कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स वैकेंसीज निकालते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक साल में मिलती हैं। तो 2024 में हम ऐसा अंदाजा लगा रहे थे पिछले 1 साल के जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं कि शायद 30-35 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं जहां पर आप अपीयर होके और पास हो सकते हैं। तो आप निराश मत होइए, ये वक्त चुपचाप बैठने का नहीं है, रादर अपनी चीजों को एनालाइज करके और अगले साल के लिए तैयारी शुरू करने का है। जिन बच्चों का रिटर्न एग्जाम पास हो गया स्किल की तैयारी में अब बिल्कुल जोर शोर से जुट जाइए। क्या पता एसएससी कितना टाइम देता है, पिछली बार 2 महीने का टाइम दिया था, इस बार पता नहीं 2 महीने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, जनरल इलेक्शन जो होने हैं उससे पहले पहले शायद ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर दे एसएससी। अगर ऐसा करना है तो शायद दिसंबर लास्ट में या जनवरी के स्टार्ट में ही टेस्ट ले लें, तो इतने कम टाइम में स्किल की तैयारी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार भी 2 ही महीने का टाइम दिया था, वो तो अनफॉर्चुनेटली टेस्ट 2 बार कैंसिल हो गया, इस कारण से लोगों को 4-6 महीने का टाइम मिल गया था। इस बार 2 ही महीने का हम टाइम मान के चलें और हम ये सोच के चलें कि सब कुछ ठीक होगा। तो अगर दिसंबर में पेपर होता है या जनवरी में पेपर होता है, फरवरी तक शायद ये रिजल्ट भी दे दें, क्योंकि जो रोजगार मेला सरकार लगाती है उसमें शायद आपका नाम भी इंक्लूड करके और उसको दिखाया जाए।
तो इसलिए हो सकता है कि एसएससी इस प्रोसेस को जल्दी पूरा करने की कोशिश करे। कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ये जस्ट स्पेकुलेशन है, और अगर ऐसा एसएससी करता है तो ये अच्छी बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करके और टाइमली आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले, आपकी नौकरी लगे। तो जिन बच्चों का भी टेस्ट पास हो गया उन सबको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक, स्किल टेस्ट की तैयारी में जुट जाएं। और आपको पता है कि हम स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए लगातार डिक्टेशंस वीडियोस भी डाल रहे हैं, उन डिक्टेशंस को लिखिए, आउटलाइंस को देखिए, आपको जरूर फायदा होगा उसमें। और आप हमारे जितने भी वीडियोस देखते हैं प्लीज उनको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ उनको बताइए, हमारे चैनल के साथ जोड़िए। आपका यही लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है, हम और तैयारी करके और मेहनत करके आपको स्किल की और ज्यादा तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आए आप सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। सो बेस्ट ऑफ लक।